अच्छा तो जनाब, अगर इस तरीके से आप गाजर का हलवा बनाओगे तो बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनेगा। आप इस तरह बना के देखना। आइए शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अभी मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। यूट्यूब पे सबसे पहले बनने वाला गाजर का हलवा मैं बना रही हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आइए शुरू करती हूँ। ये 1 किलो गाजर है मेरे पास, और तकरीबन 1 कप ये मेरे पास चीनी है, और ये किशमिश है, और ये अखरोट है, बादाम है। ये तो जितनी मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये मोटे छेद वाला जो है इससे करेंगे। ये गाजरें सारी मैंने कद्दूकस कर ली है, अभी मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं डालना, कढ़ाई में गाजरें डालेंगे और उसके बाद इसको पका के फिर मैं बताती हूँ। कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ गाजरें डालनी है। इसको अच्छी तरह गलाना है, इसका पानी खुश्क करना है। आप कैसे गाजर का हलवा बनाते हैं आप बताओ कमेंट करके। सब कारीगर हैं, सबको खाना पकाना आता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको खाना नहीं पकाना आता। लेकिन आप कमेंट में बताएं कि मेरे में कोई गलती है, तो फिर मुझे पता चले कि मैंने किसे बनाया और आप कैसे बनाते हो। ज़रूर मेरी वीडियो देखा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर किया करो। एक वीडियो में बहुत मेहनत होती है। इसको अच्छी तरह गलाना है, जब गल जाए तो फिर इसमें चीनी डाल दूंगी और पिस्ता बादाम वगैरह डाल दूंगी, असली घी डाल दूंगी। गाजरों का पानी खुश्क हो गया तो हम इसमें चीनी पा देंगे। ये 1 किलो गाजरें थी, जब मैंने इसको साफ सुफ करके कद्दूकस किया तो ये कुछ थोड़ी सी कम भी हो गई। और 1 कप चीनी बताई थी, 1 कप चीनी नहीं है, 1 कप से थोड़ी सी कम डाली है मैंने। इसलिए आप इसी तरह बनाओगे तो बहुत अच्छा मज़ेदार बनेगा। पहले गाजरों का पानी खुश्क करना है, उसके बाद इसको फिर चीनी डाल देनी है और आग इसकी चेक करते रहना है, ये ना हो कि नीचे से जल जाए। जितनी प्यार से मोहब्बत से चीज़ बनाओगे उतनी ज़्यादा जायकेदार और अच्छी बनेगी। अभी इसका अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाएगा, गाजरें गल जाएंगी, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी डालूंगी, पिस्ता बादाम डालूंगी और बहुत मज़ेदार बन जाएगी। वैसे तो इसमें मावा वगैरह भी डलता है, अभी मावा मेरे पास नहीं था। गाजरें हमारी अच्छी खासी गल चुकी हैं, अभी मैं इसको भूनती हूँ, भून भून के इसका सारा पानी खुश्क करूंगी और थोड़ा सा इसमें डालूंगी, थोड़ा सा 1-2 चम्मच सिर्फ इसमें देसी घी डालूंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, अच्छी लगी या इसमें कोई गलती थी? मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। गाजरें तो बहुत तरीके से बनती हैं, गाजर का केक बनता है, गाजर की बर्फ़ी बनती है, गाजर का हलवा बनता है, फिर गाजर की खीर भी बनती है। सारी चीज़ें बनाऊंगी। अभी इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी, इसमें सिर्फ देसी घी की 2 चम्मच डालूंगी। ये थोड़ी सी गाजरें हैं, इसमें मैं 1 चम्मच भर के डाल दूंगी देसी घी की, ज़्यादा नहीं डालूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है,
ये किसी ने भी अभी नहीं बनाई, सबसे पहली यूट्यूब की मेरी वीडियो है, आप ज़रूर देखना, क्योंकि सबसे पहले मैंने गाजर का हलवा बनाया और किसी ने भी अभी वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, तो गाजरें हो गई हैं मेरी तैयार, बिल्कुल देख इसमें घी अलग हो रहा है, बिल्कुल भून चुकी है। अभी इसमें मैं मावा डालूंगी, आधा डालूंगी, थोड़ा सा रखूंगी ऊपर डालने के लिए। मावा डालने से तो इसका टेस्ट अलग ही हो जाता है, बिल्कुल जैसे बाजार से देख खाते हैं, लेकिन घर की चीज साफ सुथरी होती है ना, मजेदार। फिर किस दिन बनाऊंगी, उसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध, दूध को पका पका के बिल्कुल कर लूंगी अच्छी तरीके से। ये YouTube पे सबसे पहले बनने वाली वीडियो है, लोगों ने पता नहीं पुरानी उठा के लगाई है या क्या किया, लेकिन मैंने असली गाजर लेके इसको बनाया है। अभी इसके अंदर मैं डाल दूँ ये पिस्ता बादाम, ये चीज़ें डालूंगी, थोड़ी थोड़ी रखूंगी। इतनी मज़ेदार, इतनी स्वादी, बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी मैं डिश में डालती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अच्छा, तो मेरा हलवा गाजर का हो गया तैयार, इसमें पिस्ता बादाम काजू वगैरह सारा कुछ डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा सा ये मावा डाल देती हूँ, गर्मा गर्म किसी मेहमान के आगे रखोगे तो वो तो उंगली में चाट जाएगा। हाय 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 हाय, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादी। किस किस ने खाया है और अभी बनाया है या बनाना है बताओ। मैंने तो बना लिया है बहुत जल्दी जल्दी, बनाया थोड़ा ही है लेकिन हमारे घर में ज़्यादा बनता है। ये हलवा हो गया है हमारा तैयार, इस तरह आप भी तैयार करो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है बनाना। आप कमेंट करके बताओ कि आप किस तरह बनाते हो। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।